नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, उन्होंने वेट को बेइज्जत कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से ज्यादा वोटों की इज्जत नहीं कर रहे। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, शहबाज शरीफ को जायज वजीर आजम नहीं मानते, ये जाली वजीर आजम है। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालिबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके जिम्मेदार। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊंट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊंट को इज्जत किया शायद तारीख में इतना ऊंट की इज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम नहीं मानते।